Hey, what's up guys, आप देख रहे हो इंग्रेडिएंट्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है DRDO और आप कह सकते हो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज आर्म फोर्सेज को, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को और इंडियन आर्मी को डिलीवर किए हैं कुछ इक्विपमेंट, जिसमें सबसे पहला इक्विपमेंट है अस्त्रा मार्क 1A। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, अस्त्रा मार्क 1 जो बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है जो कि हमारे सुखोई 30M की आई और साथ ही साथ जो तेजस है उसमें लगाने के लिए मंगाया गया था, मतलब उसके लिए ऑर्डर दिए गए थे जो 200 के करीब थे, उसकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी कि बॉस जो कि इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है, जो कि आप कह सकते हो आसपास के जो भी एरियाज होंगे जो कि आप कह सकते हो बॉर्डर्स पे हैं, जो रात में इंटीग्रेशन होते हैं, जो कि टेररिस्ट आते हैं जो भी पाकिस्तान से आते हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। और साथ ही साथ इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम IMSAS जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर आप कहोगे तो इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। मतलब कि ये सिस्टम भी काफ़ी कैपेबल सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी को जो भी शिप्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से टारगेट करने में मदद करता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट भी आ रही है DRDO के एक लैब की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा DRDO काफ़ी ज़्यादा काम करती है लैब्स पे और बाकी सारी चीज़ों पे। तो DRDL हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी जो है वो उसको बना दिया गया है। यहाँ पे फ्लाइट सिमुलेशन होगा जो कि स्पीड होगी 5 मैक से लेकर 12 मैक तक की जो सिमुलेशन होगी वो इसके अंदर कर ली जाएगी। साथ ही साथ हाइपरसोनिक टनल फैसिलिटी भी उसमें होगी जो कि आप कह सकते हो जो कि फ्यूचर टेस्ट होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के या फिर एयरक्राफ्ट के या फिर इंजन्स के जो भी टेस्ट किए जाएंगे वो इस फैसिलिटी में कर लिए जाएंगे। जो कि पहले जो फैसिलिटी होती थी, इंजन की फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी तो इसके लिए इंजन्स को कभी कभी रशिया ले जाना पड़ता था, जैसे कि अभी बीच में फ्रांस भी ले जाया करता था, लेकिन अब हमने कावेरी इंजन को वहीं पर रख दिया है, लेकिन अब हमारे पास वो सारी फैसिलिटी मौजूद होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि XRSAM की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा XRSAM, जिसको आप देसी S-400 सिस्टम भी कह सकते हो, जिसकी जो रेंज है वो बेसिकली 400 किलोमीटर तक है, मतलब कि 400 किलोमीटर तक ये पूरी तरीके से मार करने में सक्षम है। इधर वो सी स्कीमिंग टारगेट हो या फिर आप कह सकते हो स्टेल्थ टारगेट्स हो, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो, स्टेल्थ ड्रोन्स हो, या फिर आप कह सकते हो स्टेल्थ मिसाइल से क्यों ना हो, सबको न्यूट्रलाइज करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। तो इसका जो डेवलपमेंट ट्रायल्स है वो बेसिकली नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया जाना है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन DRDO की तरफ से दी गई है उसको इंडियन तीनों ही फोर्सेज जो वो बेसिकली एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट ट्रायल्स है और साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग ट्रायल्स है वो अगले साल यानी कि 2021 में ही जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो आप कह सकते हो एक अच्छा टाइम है जब हमारे पास S-400 भी आ जाएगा दिसंबर तक, और उससे पहले पहले तक XRSAM के भी जो टेस्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद उसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, जो कि सारे सिस्टम्स वहाँ पे लगा दिए जाएंगे। और एक नोटिस ये है कि XRSAM को ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है हमारे लद्दाख के रीजन में, यानी कि जुलाई से ही XRSAM वहाँ पे डिप्लॉयड है, क्योंकि जैसे कि टेस्ट किया जा रहा था तो इसको बेसिकली इतना रेडी हो चुका है कि इसको डिप्लॉय कर सके। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है ATAGS की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा ATAGS के जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जा रहे थे, तो यहाँ पे एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है जहाँ पे 5 राउंड जो ब्रस्ट फायर होती है उसको 62 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया गया, यानी कि 1 मिनट और 2 सेकंड में ही इसको कंप्लीट कर लिया गया। तो आप कह सकते हो कि ये एक अच्छा सिस्टम है। साथ ही साथ जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा था प्राइस को लेके कि बेसिकली इसका प्राइस ज़्यादा है, जो कि आप कह सकते हो एथॉस सिस्टम से ज़्यादा प्राइस है, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई हैं कि एथॉस सिस्टम जो है ATHOS जो इजरायली सिस्टम है उसका जो प्राइस है वो 16-18 करोड़ पर यूनिट के आसपास है, मतलब कि एक यूनिट जो है वो 16-18 करोड़ पर पड़ती है, और जो वहाँ पे ATGS का प्राइस है वो बेसिकली आप कह सकते हो 20 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा प्राइस बताया जाता है एक सिस्टम का। तो यहाँ पे चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी जब मैस प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एथॉस जो सिस्टम उसका बेसिकली मैस प्रोडक्शन पहले से ही होता आ रहा है, तो मतलब वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बन चुका है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा जितनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें बनती जाती हैं वैसे वैसे उसकी जो प्राइस है वो कम होती जाती है। तो उसी तरीके से ATAGS सिस्टम का भी है, तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो नीचे गिरती जाएगी। और जैसा कि ये इंडिजिनस सिस्टम है और DRDO का भी तरफ से एक इसमें स्टेटमेंट आया हुआ है कि ये जो सिस्टम है ये वर्ल्ड क्लास जो सिस्टम है, इससे बेटर सिस्टम अभी भी वर्ल्ड में मौजूद नहीं है, मतलब कोई भी हॉविट्ज़र इससे बेस्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में जहाँ पे इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से एक बात निकल के आई है। उन्होंने बेसिकली बयान दिया हुआ है जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे बेसिकली आपको पता होगा इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन के एक व्हीकल पे शूटिंग हुई थी, तो वहाँ बेसिकली पाकिस्तान ने आरोप लगाए थे कि इंडिया ने ये सारे शूटिंग करवाए हैं, मतलब कि उस गाड़ी पर हमला करवाया है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने UN में भी जाकर इस बात को बात की है कि इंडिया ने ऐसे काम, यहाँ पे इसराइल ने हमें डिफेंड किया है, और साथ ही साथ UN ने भी इस बात को मानने से मना कर दिया है। लेकिन जो इसराइल के एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से एक बयान निकल के आया है, उन्होंने कहा कि इंडिया को जिस भी वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कोई भी एडवांस इक्विपमेंट हो गए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गया,
अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसराइल हमेशा ही तैयार है एक स्पेशल फ्रेंड को उन सारी चीज़ों को देने के लिए जिस भी चीज़ की इंडिया को नीड होगी। वेल डेफिनेटली अब तो सारी कंट्रीज़ यही कह रही हैं कि जो भी इंडिया को ज़रूरत होगी वो हम देने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टेप बढ़ा लिया है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। हम वो सारे इक्विपमेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे आने वाले समय में, जो जो इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे स्टेल टेक्नोलॉजी बनी रही है, एमका बन रहा है, साथ ही साथ हमारे कई सारे एयरक्राफ्ट्स भी आ रहे हैं, जिसके बाद हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने एक डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडिया लद्दाख के आसपास काफ़ी ज़्यादा हेलीपैड्स बनाने वाला है। तो कुछ हेलीपैड्स यहाँ पे स्पॉट किए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे करीबन 11 से 12 हेलीपैड्स दिखाए गए हैं कि यहाँ पे जो भी हेलीपैड्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो इस चीज़ से क्या होगा कि 24/7 जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया की बनी रहेगी। और ये बेसिकली सिर्फ लद्दाख में ही नहीं है, ये जो बेसिकली कारगिल के पास भी कई सारे हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं कि दोनों ही तरफ, मतलब कि जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों ही तरफ इंडिया की जो निगरानी वो अच्छी तरीके से कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ाया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि CDS विपिन रावत की तरफ से आ रही है। तो कोलकाता में एक प्रेस इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पे CDS विपिन रावत ने ANI को कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थ्रेटर कमांड है और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाने वाला है और कब इसका जो फॉर्मेशन है कब इसको स्टार्ट किया जाएगा। इन्होंने बेसिकली इस चीज़ का जवाब देते हुए कहा है कि जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है और जो थ्रेटर कमांड है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि ये सारी सिस्टम ऑलरेडी फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया गया है और 2022 से 23 तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी। और एट दिन आपको ऑलरेडी पता होगा जो डिफेंस फोर्सेज की जो रिटायरमेंट एज है वो अभी 3 साल और है, तो यहाँ पे CDS विपिन रावत 3 साल और रहने वाले हैं या फिर 2 साल और रहने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही ये रिटायर होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये Q&A में भी पूछा गया था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले आई बटन में जो आपको वीडियो दिख रहा होगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।